और क्या, एक और सीरोलॉजी, ब्लड से यदि, मैंने बताया था क्या हटा देंगे, ब्लड से यदि प्रोटीन हटा देंगे, है ना, कौन कौन से प्रोटीन, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन, तो क्या बन जाएगा, सीरम कहलाएगा वो, तो सीरम से उससे याद रखना सीरोलॉजी, ठीक है, उससे याद रखना सीरोलॉजी, ठीक, ये कर लीजिए, ब्लड कहते हैं तो क्या कहते हैं, सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी, ठीक। अब इसको कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था, कौन कौन सा, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट, है ना, तो लिक्विड पार्ट में क्या आ जाएगा, प्लाज्मा, ठीक है, कितना परसेंट, 60%, कहीं कहीं 55% लिखा रहता है ना, 60%, यदि यहाँ 55% है तो ये 45 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, फिर सॉलिड पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुधिराणु, मतलब देखो रुधिर मतलब रक्त, रक्त के अणु, है ना, तो रुधिराणु, इसको इंग्लिश में कॉर्पल्स बोलते हैं, कॉर्पल्स, इसलिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, ठीक। अब प्लाज्मा में क्या पढ़ाया था मैंने, इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल, ठीक, और 10% क्या होता है, प्रोटीन, ठीक, ये अब जल तो नॉर्मल है, पता ही है तुमको जल, ठीक। अब प्रोटीन में देखो, प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ये इसके दो भाग है ना, अब प्रोटीन बताइए, 10 प्रकार की प्रोटीन में देखो, प्रोथाम्बिन होता है और फाइब्रिनोजिन, लिपेरिन, और भी होते हैं एल्बुमिन, ये एल्बुमिन इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, काय में, ब्लड में, ब्लड सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अब देखो प्रोथाम्बिन, ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन है, यदि ब्लड से, जब ब्लड सैंपल देते हैं ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये निकाल देते हैं, तो बचता क्या है, वो क्या कहलाता है, सीरम, ब्लड टेस्ट में किसका टेस्ट होता है, सीरम का, है ना, ये ब्लड, ब्लड के जो लिक्विड पार्ट वैसे, है ना, सॉलिड पार्ट तो अलग ही कर देते हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और जो प्लेटलेट्स है, उसके बाद जो इसमें से लिक्विड पार्ट में से, है ना, लिक्विड पार्ट में से जल भी अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, और उसमें से क्या निकाल देंगे, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन, इसका कलर होता है सीरम का कलर कैसा, येलो, है ना, तो ब्लड टेस्ट में क्या चेक होता है, सीरम, तो इससे याद रखना आप लोग, तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी, ठीक। अब देखो ये फाइब्रिनोजिन और हिपेरिन, इसको बोलते हैं स्कंदन, स्कंदन प्रोटीन, स्कंदन प्रोटीन, और जो हिपेरिन है, हिपेरिन को बोलते हैं प्रतिस्कंदन प्रोटीन, प्रतिस्कंदन प्रोटीन क्यों बोलते हैं, अब बताओ, मैंने कल ही कहा गई थी, स्कंदन प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन काय में मदद करते हैं, क्या करने में मदद करते हैं, क्लॉटिंग करने में ना, ब्लड रक्त का जमाने में कौन मदद करता है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन, और जमने कौन नहीं देता है, हिपेरिन, तो इसलिए प्रतिस्कंदन, है ना, ये जमाता है, तो स्कंदन प्रोटीन, ठीक, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन और प्रतिस्कंदन प्रोटीन, हिपेरिन, और एल्बुमिन क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक, समझ आया, इसके साथ प्रोटीन के साथ, इस 10% में प्रोटीन के साथ और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और एंटीबॉडी, ये क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ठीक, समझ आया, एंटीबॉडी, अभी एंटीबॉडी का भी यूज होगा अभी, फिर यहाँ पे सॉलिड पार्ट में रुधिराणु कॉर्पल्स में, इसमें क्या पढ़ाया था मैंने, इनको तीन भागों में बांटा था, कौन कौन से, आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल या फिर कॉर्पस भी बोलते हैं, सेल या
कॉर्पल्स, ठीक। ऐसे इसका व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या सेल, ठीक। तो आरबीसी का काम क्या होता है, देखो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, तो इसका हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल, ब्लड का रंग लाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्लड की में जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन हिम मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा का कलर क्या होता है, लाल, तो इसलिए ब्लड का कलर क्या होता है, लाल, ठीक है। अब इसके बाद आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी क्या करता था, मैंने बताया था ये लंग्स बनाया था, ये लंग्स, ठीक। तो आरबीसी का काम क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, ये इसमें ऑक्सीजन और CO2 है, तो आरबीसी आ रहा था, है ना, और क्या लेके जा रहा था यहां से, ऑक्सीजन, है ना। तो इसका काम क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, समझ आया, आरबीसी का काम क्या है। अब देखो, हाँ, CO2 और O2 का परिवहन, आरबीसी मैंने बताया था, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन, हाँ, है ना, स्प्लीन या प्लीहा, इसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं, स्प्लीन या प्लीहा, क्यों कहते हैं, कि जैसे मैंने बताया था कि अपनी कोशिका थी, ये कोशिका पढ़ाई थी मैंने, इसमें केंद्रक था, केंद्रक था और क्या था, लाइसोसोम था, तो लाइसोसोम का काम क्या हो रहा था, जीर्ण कोशिका मतलब मृत कोशिकाओं को निकल लेना, जैसे अपन को चोट लग, अपन ने ऐसे हाथ में मारा तो यहाँ की कोशिकाएं मरेंगी, तो मरी हुई कोशिका को कौन निकल लेता है, लाइसोसोम। तो अब आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं होता है, इसके पास क्या नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, ना ही केंद्रक होता है, केंद्रक का काम क्या होता है, निर्देश देना, है ना। केंद्रक क्या करता था, कि सबको निर्देश देता था कि इसको तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना। तो अब इस आरबीसी के पास ना ही केंद्रक है, ना ही लाइसोसोम है, ठीक है। तो अब मान लो ब्लड का कोई पार्टिकल मरेगा तो उसे कौन निकलेगा, स्प्लीन, है ना। तो इसके लिए स्प्लीन होती है, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली, ठीक है, तिल्ली। तो पूरा ब्लड कहां से होते, बाएं बाएं और अपने बाएं और किधर होगा, इधर किधर, ये बाया, हाँ तुम्हारा ये होगा, है ना, बाया साइड, यहाँ यहाँ क्या पाई जाती है, स्प्लीन, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली। तो इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, है ना, कब्रिस्तान। और ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं ना, क्योंकि अपन जैसे बैंक में अच्छे नोट देते हैं, खराब नोट भी देते हैं, तो बैंक अपन को अच्छा नोट देती है, अच्छे खराब सारे नोट डालते हैं ना अपन बैंक में, और बैंक अपन को कैसा नोट देती है, अच्छा नोट देती है। तो इस स्प्लीन में अच्छा और खराब दोनों ब्लड जाते हैं, और फिर ये स्प्लीन कैसा ब्लड आगे पहुंचाती है, अच्छा ब्लड पहुंचाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। आगे समझ, ये हो गया आरबीसी खत्म, ठीक। अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, क्या डब्ल्यूबीसी का काम बताओ, कल पढ़ाया था ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ना डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का करता बीमारियों से लड़ता, सरल शब्दों में क्या है, डब्ल्यूबीसी बीमारी से लड़ता है, जैसे अपन को कोई बीमारी हुई तो उसको मारेगा कौन, वायरस को, डब्ल्यूबीसी, है ना, काय में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, समझ आ गया। डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, एक अन्य नाम, हाँ, ल्यूकोसाइट, और आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, देख के बोल रहे कि बिना देख बोल रहे, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, दो चीज बताई थी मैंने, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक। तो देखो अब डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बीमारियों से कैसे लड़ता है, बीमारियों से लड़ने में कौन कौन सहायक होता है, ये देखो, एक एंटीबॉडी है,
एंटीबॉडी और फिर ये डब्ल्यूबीसी तो है ही है। ठीक, तो लड़ते कैसे हैं? मैंने एग्जांपल से बताया था, मान लो एक गांव है ना, एक गांव है ये, और इसमें मान लो कोई चोर आ गया, ये आ गया चोर, तो गांव के लोग क्या करते हैं, उसको घेर लेते हैं ना मारने के लिए। सबसे पहले वो पता नहीं कहां ख्यालों में खोई, इधर आ जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, वो मम्मी की याद आ रही है उनको, मम्मी की याद आ रही है। तो ये देखो, ये गांव वाले ऐसे घेर लेते हैं इसको, तो ये कौन है? एंटीबॉडी। सबसे पहले आएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी है ना, ये गांव वाले, एग्जांपल समझो। ठीक, जैसे गांव वालों ने घेर लिया, तो ऐसे यदि कोई बीमारी एंटर करी अपने अंदर, तो बीमारी को सबसे पहले घेरता कौन है? एंटीबॉडी। इसलिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडी का होना भी बहुत जरूरी है ना। एंटीबॉडी ने आके घेरा, और फिर गांव में दो चार लोगों ने घेर लिया, उसमें से एक आध लोग ऐसे होते हैं और नए आते हैं जो उसको मारते हैं ना, देखा ही नहीं गांव में। ठीक है, अब इसमें से एक आध आएंगे जो इसको पकड़ के, उसको पकड़ा है, वो बोल रहा है भैया हम नहीं माने, अब नहीं चोरी करेंगे, फिर भी उसको मारते हैं ना। और जैसे बीमारी भी आ रही है, नहीं हम जा रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं हम तुमको मार के भेजेंगे, है ना। तो आता है कौन? लिम्फोसाइट। ठीक, ये है कौन? लिम्फोसाइट। तो ये क्या करेगा? लिम्फोसाइट इस बीमारी को, मतलब इसको मारेगा, मार दिया। और फिर उसमें एक आध लोग ऐसे होते हैं कि जो काला रुचि करके बोलते कि देखो हमने मार दिया उसको, है ना, सलटा दिया उसको, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसमें एक आध लोग, मतलब कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट आकर ढिंढोरा पीटेगा कि हमने देखो बीमारी को मार दिया। आया समझ? एंटीबॉडी सबसे पहले बीमारी को घेरेगा, आके मारेगा कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट क्या करेगा? हाँ, प्रसारण करेगा समाचार का कि हमने मार दिया। समझ आ गया? अब देखो HIV जो वायरस होता है, HIV वायरस से क्या होता है? एड्स होता है जी। HIV से क्या होता है? एड्स। HIV एड्स है ना, HIV वायरस से। तो HIV वायरस इतना चालाक होता है, यदि बॉडी में घुस गया कुछ नहीं करता है, अपन नॉर्मल इंसान जैसे रहेंगे साल, और ऐसे नहीं कि मतलब आते ही से वो रिएक्शन करने नहीं चालू करता, दो साल तीन साल में आराम से क्या करता है, धीरे धीरे वो किसको मार देगा? इस लिम्फोसाइट को ही मार देगा। बहुत होशियार बनता ना उन्होंने का। अब यदि मान लो ये चोर के पास चाकू है, कुछ है, ठीक है, और वो मान लो आया अभी मारने के लिए, इसको यदि मार देगा तो बाकी पूरे गांव वाले हरा जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है, HIV वायरस क्या करता है, इस लिम्फोसाइट को मार दिया। लिम्फोसाइट को मार दिया तो ना मोनोसाइट कुछ कर सकता, ना एंटीबॉडी कुछ कर सकता, सब पक जाएंगे। तो फिर क्या करता है, HIV वायरस लिम्फोसाइट को मार देता है, तो अब क्या होता, बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म। ठीक है, तो इंसान ठीक नहीं हो पाता है। और ये काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है इसमें, इतना ही है बस। ठीक, आया समझ? HIV वायरस तीन चीज में फैलता है केवल, कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि छुआछूत से फैलती है। किन किन तीन चीज बताई थी मैंने? एक तो ये ब्लड पड़ रहा है ना, अपन ये ब्लड, ओवम और स्पर्म, ठीक है, तीन चीजों से फैलता है। ब्लड से कैसे फैलता बताया था, जैसे मान लो कोई सेविंग बनवाने गया, उसको HIV वायरस है, और सेविंग बनवाते बनवाते कई बार ब्लड निकल ही जाता है ना, यदि वो लग जाती है, ब्लड लग जाती है तो। और यदि मान लो जो सेविंग बना रहा है उससे उसी उस तरह क्या बोलते हो तुम लोग, उसी से किसी दूसरे को कर दिया, तो उसमें लग गया ब्लड लग गया, तो उसमें वायरस आ गया। कौन सा वायरस? HIV वायरस। अब मान लो जो सेकंड पर्सन आया उसकी सेविंग बन रही है, और यदि बाय चांस उसका भी कट जाए, है ना, तो मिल जाएगा काय है वो ब्लड में, मिल जाएगा ना, तो बस उसको भी क्या हो जाएगा? HIV वायरस। समझ आ गया? ये हो गया पूरा क्या? WBC। अब WBC की संख्या कितनी होती है? RBC की संख्या 50 लाख, WBC 10 हजार, और आर्मी प्लेटलेट 7 लाख से 15 लाख दिन थे वो तो, हाँ 2 लाख है ना। और कितने दिन जिंदा रहता है आर्मी? 120 120 डे। WBC 2 से 4 और RBC 7 से 15 दिन। ठीक है, अब देखो, अब प्लेटलेट्स
की मात्रा तेजी में गिरती है। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 लाख। तो डेंगू जब बीमारी होती है, डेंगू बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी में गिरती है ना। पर डे 30,000 लगभग गिरने लगते हैं। यदि तुम्हारे 60 से 70,000 पे गए प्लेटलेट्स, 60 से 70,000 पे, तो कंडीशन क्या हो जाती है? सीरियस। ठीक है, क्योंकि पर डे कितने गिरेंगे? 30,000। और जैसे ये गिरते हैं तो इंसान फिर ठीक नहीं होता है, इसलिए इसको जैसे डेंगू होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है और फिर बहुत सी चीजें बताता है, जैसे बकरी का दूध है ना, और गिलोय, एलोवेरा, ये सब बताता है। समझ आया? ये हो गया क्या? प्लेटलेट्स, ये पूरा कंप्लीट हो गया ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के बाद मैंने बताया था ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सा सहायक था? ये थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, और यहां से प्रोथामिन और इनका, इन तीन चीज तीनों का काम था है ना, प्रोथामिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन, जिसमें से हिपेरिन जमने नहीं देगा, प्रोथामिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है, और बस इतना। इसमें समझ आया? ये सबसे पहले कौन आता है ब्लड क्लॉटिंग में? थ्रोम्बोसाइट। किससे क्रिया करता है? वायु से। क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन किससे क्रिया करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। ये क्या बनता है? थ्रोम्बोसाइट ऑक्सीजन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे क्रिया करेगा? प्रोथाम्बिन से। प्रोथाम्बिन से क्रिया करके उनको सबको हैंग लग रहा होगा दोनों को। और मतलब देखो, ब्लड क्लॉटिंग को बताया था मैंने कि वो था क्या, थ्रोम्बोसाइट। देखो जैसे ही अपन को चोट लगती है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ, तेजी में ब्लड बहता है, तो सबसे पहले किसको सूचना मिलती है? हिपेरिन को। उनने कहा कहीं चोट लगी है ना, देख के आते हैं, और जाता है हिपेरिन देखने और लौटते नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हिपेरिन की ऑक्सीजन से क्रिया हुई, हिपेरिन मर जाता है। अब हिपेरिन जैसे ही मरा तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन और इन सबको खबर होती है ना कि हिपेरिन कहां गया, तो वो समझ जाते हैं हिपेरिन मरा, इसका मतलब अपन को कहां जाना है, थक्का जमाने जाना है ना, मतलब थक्का जमाने जाना है। तो हिपेरिन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके, हिपेरिन ऑक्सीजन से क्रिया करा और ये मर गया। ठीक, अब आया कौन? ये प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट आया, किससे क्रिया करी इसने? ऑक्सीजन से। बन गया क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट तो वही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये हो गया, किससे क्रिया करी इसने? ऑक्सीजन से। अब ये प्रोथाम्बिन आता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन दो चीज से क्रिया करता है, कैल्शियम से और एक प्रोथाम्बिन से, प्रोथाम्बिन, और बन जाता है क्या? थ्रोम्बिन। क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन किससे क्रिया करेगा? फाइब्रिनोजन से। ये थ्रोम्बिन क्रिया करेगा फाइब्रिनोजन से, और बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? फाइब्रिन। इधर लिख दे रहे फाइब्रिन है ना। अब फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है? ये फाइब्रिन है, मान लो ये फाइब्रिन। फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है? जालीनुमा है ना। फाइब्रिन की संरचना जालीनुमा होती है। आओ अपन ने अभी ये ब्लड पढ़ा, ब्लड में ये देखो सॉलिड पार्टिकल भी है। अब उसी ब्लड में जैसे ब्लड निकल रहा है अपना, तो ब्लड के साथ साथ सॉलिड पार्टिकल भी आ रहा है, तो क्या होता है, ये जैसे ही जाली बनती है ये, तो वो सारा सॉलिड पार्टिकल आके धीरे 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 इसमें जमा होते जाता है। नाली की एग्जांपल से बताया था मैंने कि नाली में लगी रहती है जाली, पानी कंटिन्यू बहता है, और फिर एक समय बाद क्या होता है, नाली में धीरे धीरे कचरा फंसते जाता है, और एक समय बाद नाली से बाहर पानी निकल ही नहीं पाता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही रक्त का थक्का जमता है। ये जाली बनने के बाद इसमें सारे सॉलिड पार्टिकल्स आके जम जाते हैं, और फिर क्या होता है, ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है, इसलिए ब्लड फिर बाहर नहीं आता। समझ आया? फाइब्रिन में आके कौन कौन मिल जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और बन गया क्या? थक्का। रक्त का थक्का। समझ आया? अब इसको याद कैसे रखेंगे अपन, कि किसमें क्या कैसे मिलेगा?
कि देखो थ्रम्बोसाइट भर ध्यान रखना, अपन को पहले ये डायग्राम दिमाग होना चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट के बाद आएगा ये प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो आप देखो थ्रम्बोसाइट ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, तो देखो ये थ्रम्बो है थ्रम्बोसाइट, तो ये थ्रम्बोप्लास्टिन बनेगा। ठीक है, अब ये थ्रम्बोप्लास्टिन था मतलब जो आके जुड़ता है ना वही बनते जाता है। देखो इसमें कौन आके जुड़ा? प्रोथाम्बिन जुड़ा, तो ये बनेगा देखो थ्रोम्बिन। इसमें कौन आके जुड़ा? फाइब्रिनोजेन जुड़ा, तो ये बनेगा फाइब्रिन। ऐसे याद रखना, थ्रम्बोसाइट से ऑक्सीजन ने क्रिया करी तो बना थ्रम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोप्लास्टिन ने किससे करी? प्रोथाम्बिन से करी, तो क्या बना? थ्रोम्बिन, है ना, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन ने किससे करी? फाइब्रिनोजेन से करी, तो बना क्या? फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन की संरचना कैसी है? जाली नुमा। तो इस जाली में आके कौन फंस जाता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो, और जम जाता है क्या? रक्त का थक्का। ठीक है, फिर थक्का जमने वाला तो कल ही बताया था, तुम ऐसे खोल के देखते, तुमने खोल के नहीं देखा। ठीक, समझ आया? ये ब्लड क्लॉटिंग बताई थी। अब इसी के साथ मैंने और क्या पढ़ाया था? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप पढ़ाया था। तो देखो ब्लड ग्रुप कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि आरबीसी है, जो आरबीसी है ना, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइको प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। इसी को बोलते हैं एंटीजन भी बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व बीवर ने करी। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर व बीवर। ये बता दूं मैं, गांव का चित्र समझ आ गया ना? ये एंटीबॉडी गांव वाले हैं, लिम्फोसाइट मारने वाले, मोनोसाइट भागने वाले, हां साड़ करने वाले। देखो अब मैं इसी में कल जितना भी पढ़ाया था खट्टा बता रही हूँ। ये क्या थी? ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या बताया पूरा? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, अब देखो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में क्या क्या चीज काम आएगी? एक ये एंटीबॉडी और वो एंटीजन। तो देखो बस इतना चित्र बना दी, ये ब्लड है मान लो, तो प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा? ये प्लाज्मा है और ये आरबीसी है। प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये, और आरबीसी में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं? एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक, तो देखो यदि किसी के ब्लड में ए प्रकार का एंटीजन पाया गया तो उसका ब्लड ग्रुप ए, बी प्रकार का एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, और दोनों प्रकार के पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी नहीं है, बी भी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप जीरो। जीरो, जीरो मतलब उसको अपन बोलते हैं ओ। देखो उसका मतलब है कि कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, कुछ भी नहीं पाया जा रहा मतलब वो जीरो रहता है, ये जीरो है ना, जीरो। लेकिन उसको अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखने लगते हैं अपन? ओ, इसलिए ये क्या है? ओ, है ना, ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। अब देखो जो एंटीजन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है एंटीबॉडी। क्या होता है ये? अपोजिट। ठीक, यदि अपनी बॉडी में एंटीजन ए प्रकार का पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी बी प्रकार की। अब इसको अलग डिनोट, अलग दिखाने के लिए जैसे ये कैपिटल में है तो इसको किस में लिखते हैं अपन? स्मॉल में। ठीक, अब यदि बी प्रकार का एंटीजन है तो कौन एंटीबॉडी क्या होगी? ए। ठीक, ए बी प्रकार का है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं, और कुछ नहीं है तो ए बी, छोटा वाला। देखो एंटीबॉडी का काम क्या है? बीमारियों से लड़ना ना, एंटीबॉडी बीमारी से लड़ता है, डब्ल्यूबीसी भी क्या बीमारी से लड़ता है। तो देखो जिसमें ए प्रकार का एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी क्या है? बी। ठीक, अब जिसके पास बी प्रकार का एंटीजन है उसकी एंटीबॉडी, उसके पास एंटीबॉडी है। अब लेकिन जैसे ए बी प्रकार का है इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, है ना, क्या नहीं है इसके पास? एंटीबॉडी नहीं है, तो अब इसमें बीमारियों से रक्षा कौन करेगा इसकी? ए बी वाले की, इसमें बताओ इसमें से। जैसे एंटीबॉडी यदि बाई चांस मान लो तुम्हारे पास एंटीबॉडी नहीं है, अब इसमें इतने पूरे ग्राफ में क्या दिख रहा है जो तुम्हारे रोगों से रक्षा करेगा? ये वाले ब्लड के पूरे ग्राफ में दिमाग है मतलब वो सो ही नहीं है अभी। क्या समझ नहीं आया पूछो, हम 10 बार बताएंगे, हमने कल भी ये पूरा पढ़ा के फिर से पढ़ा रहे हैं।
क्योंकि मालूम है तुम क्या हो। वीडियो बनाए थे घर पे, देखना। हाँ तुमने देखी भी नहीं। हाँ बताओ क्या समझ नहीं आया, पूरा पढ़ाइए फिर से, पूरा मिटा फिर से बता के, क्या समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आया था। पूरा तो हमने शुरू से पढ़ाया, क्या नया कुछ है ही नहीं इसमें, अर्थ पढ़ा रहे हैं। देखो अब एंटीजन मान लो ए प्रकार का एंटीबॉडी बी है, लेकिन जिसके पास ए बी प्रकार का एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। अब बीमारी से रक्षा कौन करेगा इसकी, तो टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए भगवान ने अपन को क्या दिया है, डब्ल्यूबीसी। ब्लड में डब्ल्यूबीसी है कि नहीं है, है ना। तो यदि एंटीबॉडी नहीं भी है तो अपने रोगों से रक्षा करता है कौन, डब्ल्यूबीसी। और यदि किसी ओ पॉजिटिव ओ ब्लड